चट्टान की तरह खड़े होकर विदेशी जमीन पर लोगों के होश उड़ाने वाले द ग्रेट खली को आज पूरी दुनिया जानती है। शुरुआत में जब खली ने रेसलर बनने का सपना अपनी आंखों में बसाया तो हर कोई उनके इस सपने पर हंसता था, लेकिन जब इन्होंने WWE जैसे प्लेटफॉर्म पे कदम रखा तो दुनिया बस इन्हें देखती रह गई। पर इनकी पॉपुलैरिटी की वजह सिर्फ इनकी कदकाठ ही नहीं बल्कि इनकी फाइटिंग स्किल्स भी हैं, जिस वजह से जब ये दुश्मन के सामने खड़े हो जाते थे तो सामने वाले के पसीने छूटने लगते थे। पर वो कहते ना कि हर समय एक जैसा नहीं होता। जिस तरह खली ने कामयाबी की बुलंदियां हासिल की, ठीक उसी तरह बदनामी के अंधेरे ने भी इन्हें घेर लिया था, और ये तब हुआ जब इनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई। वैसे तो इस मामले को दुनिया से छुपा कर रखा जा रहा था, लेकिन जब ये लोगों के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको खली की जिंदगी के उस काले सच से रूबरू करवाएंगे जिसे किसी ने नहीं देखा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि स्कूल जाने तक को मोहताज रहने वाले दिलीप सिंह राणा आज पूरी दुनिया में द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं और खुद का रेसलिंग स्कूल भी चलाते हैं। 27 अगस्त साल 1972, ये वो तारीख है जब हिमाचल प्रदेश के धिरैना में दिलीप सिंह राणा का जन्म हुआ। इनके जन्म के वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अजीब सी कदकाठी वाला ये बच्चा कितने बड़े कारनामे कर जाएगा। 7 भाई बहनों में जन्मे दिलीप के परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनके पिता गांव में किसानी का काम करते थे और किसानी से ही इनका घर चलता था। लेकिन एक बार जब बारिश की वजह से इनकी पूरी की पूरी फसल उजड़ गई तो इनकी जिंदगी में और भी ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि पिता के पास अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। आज के समय में तो हमारे लिए 2.5 रुपए मिट्टी के बराबर है, लेकिन दिलीप सिंह राणा की जिंदगी में ये 2.5 रुपए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र में जब इनके पास अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए 2.5 रुपए नहीं थे तो इन्हें स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। उस बेइज्जती का दाग इनके गिरेबान पर ऐसा लगा कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया। इतने सारे बच्चों के बीच पैसों के लिए अपमान सहने के बाद दिलीप को ये लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक दिखावा है, दुनिया इज्जत तभी देती है जब आपकी जेब में पैसा हो। यही वजह है कि इस बेइज्जती के बाद दिलीप सिंह राणा कभी भी स्कूल लौट कर नहीं गए, और इन्होंने ये ठान लिया कि अभी अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। जाहिर सी बात है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे से लड़के को भला क्या ही काम मिल सकता था, इसलिए इन्होंने हर तरह की छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाने की कोशिश की। इस दौरान खली को ये पता चला कि भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। जिस बच्चे को 2.5 रुपए के लिए स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया हो, उसके लिए दिन के 5 रुपए कमाना किसी लॉटरी निकलने से कम नहीं था, इसलिए इन्होंने 5 रुपए की दिहाड़ी से काम करना शुरू किया। अब एक तो ये मेहनती बहुत थे, ऊपर से इनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि इन्हें हर कोई पहचानता था, इसलिए दिलीप के पास जिंदगी में कभी भी काम की कमी नहीं हुई। ये जहाँ कहीं भी जाते इन्हें तुरंत काम मिल जाता था। ऐसा करते करते वक्त बीतता गया और साल 1993 आ गया। ये वो समय था जब दिलीप शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उसी दौरान रात के समय एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पे पड़ी। जब पुलिस ऑफिसर ने इन्हें ध्यान से देखा तो वो तुरंत खली के पास गए और इनसे कहा कि तुम्हारी कदकाठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। इस बात को सुनने के बाद खली कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी और पुलिस में जाने का कभी सपना तक नहीं देखा था। पर खली को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। हम आपको बता दें, ये वो दौर था जब कम पढ़े लिखे इंसान को भी सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग मिल जाते थे। ऊपर से उस दौर में न ही कॉम्पिटिशन था और न ही लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते थे, और ठीक ऐसा ही खली के साथ भी हुआ। ऊपर से इनकी कदकाठी इतनी अच्छी थी कि इनका कम पढ़ा लिखा होना नजरअंदाज किया जा सकता था। जैसे ही ये पुलिस फोर्स का हिस्सा बने, इनकी पैसों की दिक्कत तो छूमंतर हो गई थी। पुलिस ऑफिसर को मिलने वाली तनख्वाह में ये अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, पर इन्हें शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, इसलिए इन्होंने जिम जाना और कसरत वगैरह भी शुरू कर दी ताकि चोर केवल इनको देख के ही भाग जाएं। धीरे धीरे इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इतनी महारत हासिल कर ली कि हर कोई इन्हें पहचानने लगा। तभी 1998 का वक्त आया और पहली बार टीवी पर WWF रेसलिंग की शुरुआत हुई, जिसे आज WWE के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने पहली बार इस रेसलिंग को टीवी पे देखा तो ये उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और इनके अंदर भी रेसलिंग का जुनून सवार हो गया, जिसकी वजह से ये टीवी पर देख देख कर रेसलिंग की प्रैक्टिस करने लगे, जिसके बाद इन्होंने लोकल लेवल पे रेसलिंग भी शुरू कर दी और फिर इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। ये बुलंदी की सीढ़ियां बस चढ़ते ही चले जा रहे थे कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग ने खली को ये प्रस्ताव दिया कि आप अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग ले लें। अब इतना बड़ा प्रस्ताव पाना किसी भी रेसलर का सपना होता है,
पर इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत इनकी नौकरी थी, क्योंकि अगर ये एक बार सरकारी नौकरी छोड़कर गए तो दोबारा इतनी अच्छी नौकरी हाथ नहीं लगनी थी। ऐसे में अगर रेसलिंग की दुनिया में इनका सिक्का न चलता तो इन्हें वापस से बेरोजगारी की जिंदगी जीनी पड़ती। इसलिए काफी समय तक इन्होंने अपने डिसीजन को रोके रखा, पर फिर इन्होंने खुद को समझाया कि अगर ये अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, और ठीक ऐसा ही इन्होंने किया भी। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद इन्हें ये एहसास होने लगा कि यहाँ आकर तो इन्होंने गलती कर दी। अमेरिका में इनके साथ वो व्यवहार नहीं होता था जिसकी इनको उम्मीद थी। 7 फीट लंबे चौड़े खली को केवल 6 फीट का कमरा रहने के लिए दिया गया। ऊपर से अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग था, जिस वजह से लोग इन्हें काफी चिढ़ाते थे और कहते थे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पर जैसे तैसे इन्होंने खुद को संभाला और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। फिर साल 2000 में खली को प्रोफेशनल रेसलिंग लड़ने का मौका मिला, और इस मैच में इन्होंने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि इनका नाम लोगों ने दिलीप सिंह से बदलकर द जायंट सिंह रख दिया, और फिर इन्हें अपने समय की बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनी WCW में भी शामिल कर लिया गया। इस कंपनी के साथ काम करना हर रेसलर का सपना हुआ करता था, और खली का भी ये सपना पूरा हो रहा था। लेकिन न जाने इन्हें किसकी नजर लग गई कि इनका सपना एक ही पल में बिखर गया। जब ये ब्रायन ओंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तब ट्रेनिंग के दौरान ही खली ने ब्रायन ओंग को 2 बार रिंग में घुमाया, और फिर इन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसके कारण उस रेसलर का सिर मैट से टकरा गया और ब्रायन वहीं गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने के तुरंत बाद जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो पहले तो वो कोमा में चले गए और थोड़े ही समय में उनकी मौत भी हो गई। अब दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि WWE में दिखाए जाने वाले जितने भी रेसलिंग के मैच हम देखते हैं, इनकी प्रैक्टिस पहले से ही होती है, क्योंकि ये सभी दांव पेच स्क्रिप्टेड होते हैं। यानी कि रेसलर्स को पता होता है कि सामने वाला रेसलर उसके ऊपर किस तरह का वार करने वाला है, पर फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें बहुत तेज लग गई हो, क्योंकि इसी से उनका पैसा बनता है। पर दोस्तों, प्रैक्टिस बिल्कुल असली होती है, और प्रैक्टिस करने के दौरान रेसलर को कई सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी की मौत हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात थी। इस इंसिडेंट के बाद तो जैसे रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम गूंजने लगा। हर कोई इन्हें कातिल की नजरों से देख रहा था। बड़े बड़े रेसलर्स खली से दूर भागने लगे। कोई भी खली के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। कातिल का टाइटल अपने सिर पर चिपकाए खली पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे थे, और ये दौर इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि इनका पूरा करियर खत्म हो गया है, भारत वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इनकी किस्मत में तो चमकना लिखा था। तभी तो इन सारे विवादों के बीच खली को मेक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब खली के हाथों मारे गए ब्रायन के मौत की जांच पूरी होती है, जिसमें ये पता चलता है कि ब्रायन रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे। अगर इनके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर पड़ता तो ये मर सकते थे, और ठीक ऐसा ही हुआ भी। खली ने तो अपनी तरफ से हल्के हाथों से ही वार किया था, लेकिन ब्रायन का शरीर उस हल्के से वार को भी झेल नहीं पाया और वो मर गए। इस पूरे कांड में खली की कोई भी गलती नहीं निकलती है। अब इस पूरे मामले से खली को क्लीन चिट मिल चुके थे, जिसके बाद खली ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इनकी जिंदगी में वो वक्त आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार खली को बरसों से था। जिस WWE को देखकर इन्होंने रेसलिंग करनी सीखी, उसी ने इन्हें साइन कर लिया, और फिर ये WWE के लिए मैचेस खेलना भी शुरू कर देते हैं। काफी लंबे समय तक इन्होंने रेसलिंग की और भारत का नाम भी रोशन किया। यहाँ तक कि इन्होंने रेसलिंग के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, और इस समय वो CWE नाम की रेसलिंग एकेडमी भी चलाते हैं जो कि पंजाब में स्थित है। दोस्तों, आपका द ग्रेट खली के इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।